आज का विषय है कलर का महत्व। हर कलर कुछ कहता है, जैसे लाल रंग खतरा, खून और क्रोध का सिंबल है। जैसा कि आपने पहले भी इसमें देख चुके हैं ऊपर में, तो हम देखते हैं सन का कलर, सन कौन सी कलर हम लोग कर सकते हैं। तो सन के लिए हम लोग हमेशा पीला कलर ही करते हैं। सूर्य का कलर पीला हम लोग फील करते हैं। इसी तरह आप हम लोग देखते हैं किसी भी पेड़ को बनाने के लिए, पेड़ में उसकी लीव्स को कौन सी कलर देंगे। पेड़ के लिए हम लोग कलर जो फील करेंगे इसमें यूज करेंगे ग्रीन, क्योंकि पेड़ का कलर ग्रीन ही होती है। इसमें हम ब्लैक यूज नहीं कर सकते, इसमें रेड यूज नहीं कर सकते, रेड क्योंकि इसका स्वभाव ही नहीं है। अगर रेड होती तो हम बहुत ज़्यादा देर तक किसी पेड़ को नहीं देख सकते। जैसा कि आपको कलर के बारे में बताया गया कि ग्रीन कलर जो है ये ठंडापन देता है। जैसे हम लोग नेचर को देखते हैं, जमीन पर जितने भी पेड़ पौधे इसे हम लोग काफ़ी देर देख सकते हैं। आकाश को देखें तो आसमानी नीला जो है वो भी हम लोग काफ़ी देर देख सकते हैं, इससे आंखों की थकान नहीं होती है। लेकिन इसी चीज़ को अगर किसी चीज़ के एक कंट्रास्ट कलर को देखें, जैसे येलो कलर है, रेड कलर है, इसे अगर कंट्रास्ट कलर को हम लोग ज़्यादा देर नहीं देख सकते, क्योंकि ज़्यादा देर देखने के बाद हमारी आँखें थक जाती है। अब इसमें देखते हैं हम लोग ब्रांच, इस ट्री की ब्रांच कौन सी कलर यूज करेंगे। जैसे कि आपको बताया गया है ऊपर नोट्स में, आपने देखा है कि ब्राउन कलर ब्राउन का प्रतीक, ब्राउन जो है बुढ़ापे का प्रतीक है। तो किसी भी ट्री के लिए उसका सबसे एजर जो होते हैं उसकी ब्रांच होती है, इसलिए इसमें हम लोग ब्राउन यूज करेंगे। लीव्स के लिए ग्रीन यूज करेंगे। सन के लिए येलो यूज करेंगे। अब स्काई देखते हैं, तो स्काई के लिए हम लोग एक ठंडापन हमें देती है। हम आकाश को चाहे जितना देर में देखें ये हमें थकान नहीं देती। आकाश के लिए स्काई ब्लू यूज करेंगे। जैसे किसी भी रिवर को देखने के बाद, किसी भी नदी को, झरना को देखने से हमें आंखों को शांत, जैसे देखते हैं हम लोग रिवर, तो रिवर के लिए नदी झरना ये जो है हमारे आंखों को सुकून देती है, इसीलिए यहाँ पे कोल्ड कलर इसे हम लोग सुकून देता है। इसके लिए हम लोग पहले से जानते हैं कि ठंडा ये ब्लू कलर हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम लोग देते हैं पहाड़ को, अब पहाड़ पे कौन सी कलर होगी, तो पहाड़ ये एक दिन में कोई पहाड़ तैयार नहीं होती है, ये बहुत पुराना होती है, इसलिए इसका कलर जो होती है बुढ़ापे का प्रतीक कौन सी कलर है। हाँ जी सही बोले, ब्राउन। इसके लिए हम लोग ब्राउन कलर यूज करेंगे। अब देखते हैं हम लोग ग्रास, तो ग्रास हम लोग को कौन सी कलर होती है, ग्रीन। सही, तो हम लोग ग्रास के लिए ग्रीन। इसीलिए सुबह में हमारे बुजुर्गों ने कहते हैं कि सुबह में खाली पैर घास पे चलो, ताकि आंख की रोशनी बढ़ेगी, ये हमें सुकून देती है। तो जैसा कि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये ड्राइंग बताने की कोशिश किया है, आप कलर के बारे में समझाने की कोशिश किया है, शायद आपको समझ में आया होगा। एक कलर ऐसा ही एक है, जैसे आप अगर हम सब्जी बनाते हैं तो बिना हल्दी के सब्जी बना दें, तो कोई भी ड्राइंग में हम पूरा कॉन्सेप्ट अगर मेरा क्लियर है, अगर उसमें हम कलर नहीं फील करते हैं तो वही बिना हल्दी वाली सब्जी की तरह हो जाती है। धन्यवाद।